कल सैफ अंडर 16 का फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा था। दुर्भाग्य है कि भारत कल मैच हार गया, लेकिन झारखंड की बेटियों का प्रदर्शन जो है काफ़ी उम्दा रहा। अभी ये रांची एयरपोर्ट पर मैच खेलकर लौटी हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप इस मुकाम पर पहुँचे, और कल हार गए उसके लिए खैर खेल है, हार जीत होती रहती है। सबसे पहले अनुष्का से बात करेंगे, क्योंकि कल आप ही स्टार रहीं भारतीय टीम की। कल जब आप फील्ड पर थे, मैदान में थे, और आपने ही जो गोल दागा, कैसा अनुभव था, क्या चल रहा था दिमाग में, अनुष्का बताइए। जब मैं गोल मारी 4 मिनट में, तो मुझे बहुत खुशी हुआ, क्योंकि मैंने 4 मिनट में फर्स्ट स्कोर किया और मेरी टीम भी मेरे साथ मेरे बहुत सपोर्ट में थे, तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी। और ऐसे लग रहा था कि हम कल का मैच जीत सकते थे, बट कुछ हमारे से मिस्टेक हुई, इसलिए हम जीत नहीं पाए कल। खराब लग रहा होगा। यस सर। अच्छा, क्या लग रहा है, मिस्टेक कहाँ हो गया? मिस्टेक तो बहुत जगह हुआ, बट पर हमारा टीम शूट आउट में चल रहा था, उसमें कहाँ मिस्टेक? वहाँ पे हमारे प्लेयर सारे डर गए थे कि कैसे मारे कैसे नहीं, प्रेशर हो गया था। हाँ। सबका माइंड ब्लॉक हो गया था, और वो सब माइंड में ये ले लिए थे क्योंकि हम लोग जीत नहीं पाएंगे बोल के, तो सारे कोई डर गए थे, तो हमारा ट्राई वेकर अच्छा नहीं गया। अच्छा, ये तो हो गया कल का बात। अनुष्का, आगे इस सफ़र में और कहाँ तक बढ़ना है, क्या हासिल करना है? सर, मुझे बहुत आगे तक जाना है, और मेरा सपना है कि मैं इंडिया टीम के कैप्टन बनूँ। कल जो है ना, कल हम आप लोग के आपके घर गए थे, आपके मम्मी पापा से मिले थे, तो जाहिर सी बात है आपकी मम्मी भी बता रही थी कि आप बहुत आगे इस फील्ड में बढ़ना चाहती हैं, आगे और नाम कमाना चाहती हैं, ख़ास तौर पर पैसे कमाना चाहती हैं, ताकि घर की स्थिति बेहतर हो, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं? सर, मेरा घर का स्थिति उससे भी अच्छा नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद की कमाई से अपने घर को ये करूँ मैं, और मैं अभी बहुत आगे तक बढ़ना चाहती हूँ। यस सर। और पापा कुछ नहीं करते, बस हमारे घर में एक ही काम करने वाले हैं, तो हमारा घर सही से नहीं चल पाता है, तो मैं चाहती हूँ कि जो अभी घर में चल रहा है वो मैं खुद संभालूँ घर को। नहीं, अभी तो मम्मी नहीं आ पाए, नहीं वो भैया लोग अभी लेट से आ रहे। थैंक यू सर। हमारे साथ दिव्यानी हैं, और रांची के कांके ब्लॉक में ये रहती हैं, इनका घर है। दिव्यानी, सबसे पहले तो इतने कम उम्र में इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल करना कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हम इतना कम उम्र में खेल के आए इंडिया। हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हम मेरा कोच इतना हमको प्रैक्टिस दिए और इतना कुछ किए और हम इंडिया खेले। सबसे पहले तो मेरा कोच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा लाइफ में आए भगवान के जैसे आए और हमको प्रैक्टिस दिलाएं। हम अभी जो भी हैं मेरा कोच के बदौलत में हैं, बस। कोच, आप इतना थैंक यू बोल रही हैं कोच को, जाहिर सी बात है गुरु का एक अहम पोजीशन होता है लाइफ में। चूँकि आप जिस बैकग्राउंड से चल कर के आ रही हैं, फाइनेंशियल स्टेटस उतना बढ़िया नहीं है, माँ काम कर रही हैं घर चलाने के लिए, भाई को परेशानी है, तो इस तरह में कोच का कैसा मदद रहा, वो जानना चाह रहे थे। इसमें मेरा कोच का बहुत मदद रहा। मेरा पापा तो नहीं रहे, पर मेरा मम्मी मजदूरी काम करके घर को संभालते हैं, और इसमें मेरा कोच का भी बहुत सपोर्ट है। जो मेरा घर में कुछ होता है, मेरा कोच मेरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपकी माँ से भी हमारे सीनियर मिले थे, आपकी माँ बता रही थी कि आप बहुत पैसा कमाना चाहती हैं ताकि आप अपना भाई का इलाज करवा पाएँ। हाँ, हम फुटबॉल खेलेंगे तो मेरा फर्स्ट जो पैसा कमाई होगा उससे मैं अपना भाई का इलाज कराऊंगी, अच्छा हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी, ठीक कराऊंगी बस। अच्छा, आगे और कहाँ तक आप ऊंचाइयों को देख रहे हैं, कहाँ तक पहुँचना है दिव्यानी आप? हम तो बहुत ही आगे जाना चाहते हैं, और इसमें मेरा कोच भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि बहुत आगे हम जाएं, और मेरा जितना ग्राउंड में जितना मेरा दीदी बहन सब चाहते हैं कि आगे जाएं, और हम चाहते हैं कि वो लोग भी आगे जाएं मेरे जैसे, मेरा से भी आगे। ठीक है, तो जिन कोच का इतना जिक्र हो रहा है उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, ये जो आप इन बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं, तो ये शुरुआत तो कहीं से हुआ होगा कि हम उन्हीं बच्चों को ट्रेनिंग देंगे जो एक बहुत ही अनस्टेबल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की और जो इस प्रतिभा में बेहतर है, तो ये सोच कहाँ से आया?
जी, मैं अभी देखा कि मेरे गांव अभी भी बहुत पुराने ज़माने में जी रहा है। जैसे लड़कियों को सोचे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, हाफ पैंट पहन नहीं सकती है, इसी तरह का बहुत बड़ा समस्या था। लेकिन आज लड़के से कहीं ज़्यादा आगे लड़कियां हैं। इसी को देखते हुए हमको बहुत सारी परेशानी भी हुआ, गाँव घर से बहुत तरह का बात भी सुने, बट उसको हम परेशानियों को झेले और सोचे कि इन बच्चों का हम भविष्य बनाएंगे। इसके साथ ही इन बच्चियों को अगर हम चार बच्चा छः बच्चा का भी अगर भविष्य बना लेते हैं, उससे उसके साथ ही और भी बच्चा आएगा और वो बच्चा का भी हम लाइफ चेंज करेंगे और उसको समाज में दिखाएंगे कि लड़कियां आज लड़कों से कम नहीं है। अगर इसका आंकना बंद कीजिएगा तो लड़कियां माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और एक घर द्वार अच्छा से चला सकते हैं लड़कियाँ भी। अच्छा, हम ये समझना चाह रहे थे कि चूँकि ये बहुत चैलेंज बैकग्राउंड से आ रही हैं, सोर्स ऑफ इनकम फैमिली का बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की ट्रेनिंग में खर्च काफ़ी आता होगा, वो कैसे मैनेज होता है? जी, मेरा एक छोटा सा दुकान है और मेरा घर में मम्मी पापा, मेरा सबसे बड़ा भैया मेरा हमेशा सपोर्ट किए हैं, कभी भी मना नहीं किए। दूसरा कोई तो बोलता है कि यहाँ वहाँ से पैसा आता है इसीलिए लड़का करता है, नहीं तो किसी में हिम्मत नहीं है कि इतना कर सकता है। लेकिन घर का सपोर्ट रहा और जो भी मैं अपना दुकान से, राशन का दुकान से जो भी पैसा आता है, उससे हम इन बच्चियों का खेल का सामग्री जो भी होता है उसको खरीदते हैं। मतलब आप अपना पॉकेट से पैसा लगाकर इन बच्चियों को ट्रेनिंग दिलाकर भारतीय टीम तक का सफर तय करवा रहे हैं? जी हाँ, इसमें एक समय ऐसा भी था ट्रायल के लिए पैसा भी नहीं था, लेकिन मेरे बड़े भैया जगदीश सिंह जंगू और उनके साथ समिंदर भैया थे जो एक दिन में हमको 30,000 रुपये इकट्ठा करके दिए और उसी का नतीजा है कि हम गोवा ले जा सकें अपने बच्चे को और आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा सकें। हमारे साथ अनीता हैं, ये भी झारखंड से ही हैं और अंडर 16 टीम में खेलती हैं। अनीता, किस पोजीशन से खेलती हैं? राइट विंग खेलते हैं, लेकिन वहाँ पे पूरा ऑलराउंडर खेल रहे थे। अच्छा, तो कैसा रहा ये पूरा टूर्नामेंट आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम खेलने को गए थे हम इसी के लिए। अच्छा, पहली बार सिलेक्शन हुआ था? जी हाँ, अंडर 16 में इंडिया टीम। जी हाँ। तो आगे क्या करना है अनीता? आगे तो अभी तो अंडर 19 में जाने के लिए कोशिश करेंगे, यही सोच रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी आप लोग जब एयरपोर्ट से बाहर आए, आप लोग को रिसीव करने के लिए इतने सारे लोग आए, कैसा लग रहा है? हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है और सब को हम थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को रिसीव करने के लिए आए आप लोग। अच्छा, बताइए कि अब आप इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं, अंडर 16 खेल रहे हैं, तो जब गांव से निकल करके आप लोग इतना बड़ा पोजीशन तक पहुंचे, देश के लिए खेल रहे हैं, कैसा महसूस कर? हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम इंडिया के लिए खेले तो मेरा गाँव वाला लोग ये प्रोत्साहन होगा कि एक छोटा सा गांव से एक प्लेयर निकली और इतना लेवल तक जा सकती है, तो हम लोग भी अगर कोशिश करेंगे तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं। ये अच्छा, तो गांव वाला सब तो आपको पहचानने लगा होगा? हाँ, अभी तो पहचाने, पहले भी पहचानते हैं, फिर अभी तो और पहचानने लगे हैं। अच्छा, तो गुमला में जहाँ आपका गाँव है, क्या गाँव का नाम है आपका? ममरला। तो उधर तो फिर आपको सब जानने लगा होगा ना कि ये हैं? हाँ, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी बसिया प्रखंड से हम लोग दो जन पहली बार अभी निकले हैं हम लोग। अच्छा, तो बसिया से पहली बार आप लोग ऐसे खिलाड़ी निकले जो देश के लिए खेल रहे हैं फुटबॉल में? हाँ, है ना। अच्छा, तो घर वाला को भी सब पहचानता होगा? हाँ हाँ। मेरा नाम है सूरजमणि कुमारी, मैं गुमला से। अच्छा, जब आप देश के लिए खेलती हैं तो प्रेशर रहता है आप लोग पर? यस सर, प्रेशर रहता है कि देश के लिए खेल रहे हैं तो थोड़ा प्रेशर तो रहता है। कल भी प्रेशर? यस सर, प्रेशर थोड़ा था, वो ज़्यादा नहीं था। किस पोजीशन से खेलते हैं? गोलकीपर। गोलकीपर है? यस सर। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in.